रेप के आरोपी और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश की तलाश में पुलिस सरगर्मी से घूम रही है। दरअसल आदिवासी शिक्षिका ने पलाश पर रेप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद आरोपी पलाश फरार है। पुलिस ने पलाश को गिरफ्तार करने के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया है। वहीं पुलिस टीम ने नैला में पलाश के घर पर दबिश दी थी, आज पुलिस ने इंदौर में भी दबिश दी, मगर पलाश की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इधर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग ने पलाश चंदेल की गिरफ्तारी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पलाश मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इधर शुरू हो चुका है। प्रकरण का आरोपी जो है फरार है, उसकी पतासाजी और विधिवत कार्यवाही के लिए अलग अलग टीम गठित की गई है, जिसमें दो टीम इंदौर भेजी गई थी। विवेचना क्रम में एफएसएल और साइबर टीम की भी मदद ली जा रही है। पलाश चंदेल को जल्द से जल्द गिरफ्तार अगर नहीं किया जाता तो हम लोग संभागीय स्तर उग्र आंदोलन के हमारे जो प्रदेश के जो युवा प्रभाग के अध्यक्ष हैं उनके आह्वान पर आज हम जिला जांजगीर चांपा कलेक्टर महोदय और एसपी को प्रतिलिपि दिए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, और ये पर उपदेश कुशल बहुत है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है। आदिवासी लड़के के साथ बलात्कार हुआ, अभी अगर कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष नेता के दबाव में कार्रवाई जरूरत नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा पहला मांग है उसके ऊपर कार्रवाई हो, उनको सजा हो और प्रतिपक्ष नेता को तुरंत इस्तीफा दे। वो घटना जो भी हुआ है उस घटना के बारे में लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी की बात करना उचित नहीं है। मान लो कोई विषय होगा तो कानून अपना काम करेगा।